आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं इसी 24x7 न्यूज़ हैदराबाद। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर एक नज़र। आदाब नाजरीन, आप तमाम का इस्तकबाल है इससे 24x7 न्यूज़ में। गोपनपल्ली तांडे के इलाके में 40 से 50 दुकानात और घरों के सामान के साथ जीएचएमसी ने पुलिस की मौजूदगी में उन्हें मुनहदिम कर दिया। ये लोग यहाँ पर गुज़िश्ता 50 सालों से रह रहे हैं और इनके पास घर का टैक्स, लाइट का बिल और नल का बिल भी मौजूद है, जो ये लोग हुकूमत को बनते हैं। इसके बावजूद भी ये लोग गवर्नमेंट की लैंडिंग है कहकर रोड बड़ी करने के लिए रोड वैंडिंग में तमाम घर और दुकानात को मुनहदिम कर दिए। इससे 24x7 न्यूज से बात करते हुए जीएचएमसी कॉरपोरेटर गंगाधर रेड्डी ने तमाम तफसील बताई। अंडा में जो रोड वाइंडिंग का काम चल रहा है, आरडीओ के अंडर में, जीएचएमसी पुलिस के अंडर में चल रहा। हम लोग अभी 4 महीने से हम लोग आरडीओ के पास जाके मीटिंग लगाया। अभी 40 लोगों का घर पूरा तोड़ दे रहे इधर, और को सब लोगों को ये पे गवर्नमेंट वैल्यू नहीं है। यहाँ पे के 1,00,000 रुपए का गज को चल रहा, एक गज को हिसाब से गवर्नमेंट रेट तो भी दो, नहीं तो स्ट्रक्चर वैल्यू पूरा भी दो। पर नहीं दिए तो वो लोग पूरा गरीब वाले है, 10-15 साल से नहीं 50 साल से यहाँ पे जी रहे हैं सभी लोग। वो गरीब आदमी को आप ऐसा गवर्नमेंट लैंड बोल के तोड़ना थोड़ा गलत है आपका। बहुत बार रिक्वेस्ट करे, लेकिन आरडीओ मैडम या MRO रिक्वेस्ट को अंडर में ले रहे। सर्वे नंबर 34 है, कम्प्लीटली गवर्नमेंट लैंड है, मैं मानता हूँ। लेकिन 50 साल से टैक्स वसूल कर रहे, नल बिल दे रहे, करंट मीटर ले रहे, सभी देने के बाद में एक एक बिल्डिंग को 1,00,000 रुपए के ऊपर टैक्स वसूल कर रहे। किसके वास्ते वसूल कर रहे आप? एक बार टैक्स आप ही म्यूनसिपल वाले परमिशन दे रहे, गवर्नमेंट लैंड होने के बाद जीएचएमसी वाले कैसे परमिशन दे रहे, वो नहीं मालूम आपको? रेवेन्यू आए तो आप जीएचएमसी को ले रहे, टैक्स वसूल कर रहे, लेकिन अभी रेवेन्यू जो बिल्डिंग निकालने जब एक पैसा भी नहीं दिया, अभी तक डेमोलिशन कर रहे, एक नोटिस भी नहीं दे। रात में 8 बजे को आके खाली स्टिकर लगा के गए, सुबह में 5 बजे से तोड़ने लगा है। किसको बोलेंगे वो गरीब आदमी, किसको बोलना है? ये रोड वाइंडिंग कितना कट हो रहा है? ये 100 फीट का रोड है, ये 2016 में नोटिफिकेशन आया, लेकिन 2016 से अभी 10 साल हो गया, कम से कम 6-8 साल हो गया, अभी तक कंपोजिशन दे बोल रहे। डिमोलिशन गवर्नमेंट लैंड है तो गवर्नमेंट लैंड को नहीं दिए तो भी स्ट्रक्चर वैल्यू तो देना है, स्ट्रक्चर वैल्यू अभी तक किसी को भी नहीं दिए। ये अच्छे आरडीओ ऑफिस मैडम से बात करा, मंडे के दिन आए तो सब लोगों को लेके आओ, मैं पैसे दिला दूँ बोला। लेकिन पैसे दिएने के बाद में डिमोलिशन करते, डिमोलिशन करने के बाद में पैसे देते, ये कहीं का रोल है समझ में नहीं आ रहा। डिमोलिशन कर रहे अच्छा नहीं है। हम लोग मंडे के दिन देखने के बाद में हम लोग का कार्रवाई जो करना है करेंगे। हमारा सुरेश कुमार है। क्या हुआ बोलो? कल नहीं बोल के गए, अर्जेंट में आए, अभी खाली करो बोलते हैं। नोटिस नहीं दिए है? कुछ भी नोटिस नहीं है, बिल्डिंग वाले को दिए होंगे, वो हमारे को नहीं मालूम। अच्छा, आपको नहीं बोले? हमारे को कुछ भी नहीं बोले। आपका काय का दुकान है? हमारा स्टील का दुकान है, बर्तन का दुकान है, 10 लाख का माल है दुकान के अंदर। अभी अचानक तोड़ दे रहे हैं? अभी अचानक तोड़ दे रहे, आधा माल बाहर गया, आधा माल किधर गया वो कुछ भी नहीं मालूम। उनके आदमी आए, किधर किधर रखे वो हमारे को नहीं मालूम। पैसा वगैरह तुम देते बोले? कुछ भी नहीं देखते बोले, खाली करो नहीं तो तोड़ देते बोले। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।